किसी भी चीज की तह तक जाना इंसान की फितरत है, चाहे उसे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इसलिए इंसान उस चीज को खोज रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, या यूं कहें कि उसका कोई और छोर ही नहीं। आखिर वो ऐसी क्या चीज है? शायद आप उसे जानते हैं, और वो है हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। ब्रह्मांड अनंत है, इसके बारे में हम जितना जानते हैं वो अभी कुछ भी नहीं है। अभी हमें इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत सी चीजों की खोज करनी है, जैसे इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने सितारे हैं, कितने ग्रह और उपग्रह हैं, और भी ना जाने ऐसी ही कितनी सारी बातें। इन सब सवालों का जवाब हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम ब्रह्मांड के और छोर की तलाश में जुटे हुए हैं। इंसान की इसी खोजी फितरत ने जन्म दिया एक ऐसे अंतरिक्ष मिशन को जिसका नाम है वॉयेजर। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड वॉयेजर मिशन पर है, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक ऐसा मिशन जिसने इंसानों को वहां पहुंचाया जहां पहुंचना कभी आसान न था। इसके साथ ही हम इस मिशन से जुड़ी और भी कई बातों को जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 40 साल पहले 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में नासा ने दो अंतरिक्षयान धरती से रवाना किए, जिनके नाम वॉयेजर 1 और 2 था। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर केप कनावरल से छोड़ा गया था, वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया। आज 40 साल बाद ये दोनों अंतरिक्षयान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वॉयेजर 1 तो अब हमारे सौर मंडल से भी दूर यानी करीब 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वहीं वॉयेजर 2 ने दूसरा रास्ता लेते हुए करीब 17 अरब किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। इन यानों की पृथ्वी से दूरी इतनी अधिक है कि वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने में करीब 38 घंटे लगते हैं, वो भी तब जब ये रेडियो सिग्नल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी प्रकाश की गति से चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉयेजर 2 से धरती तक कोई भी मैसेज आने में 30 घंटे का समय लगता है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि आज 40 साल बीत जाने के बाद भी दोनों यान सही सलामत काम कर रहे हैं और ब्रह्मांड के कई राज हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि ये यान अब बूढ़े हो चले हैं और इनके काम करने की क्षमता कम हो गई है। इनकी टेक्निक भी काफी पुरानी हो चुकी है, इसलिए वॉयेजर यानों से आने वाले मैसेजों को पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी काम के लिए अपने शहर से बाहर जाएं, तो आपके मोबाइल को सिग्नल पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह नासा आज दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयेजर से आने वाले संकेत पकड़ता है। इस मिशन से जुड़े एक वैज्ञानिक एड स्टोन का कहना है कि आज वॉयेजर 1 ब्रह्मांड में इतनी दूर है कि वहाँ अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं है। वो बताते हैं कि वॉयेजर मिशन के डिजाइन पर 1972 में काम शुरू किया गया था। आज 40 साल बाद वॉयेजर मिशन से हमें ब्रह्मांड के बहुत से ऐसे राज पता चले हैं जिनके बारे में पता करना नामुमकिन था। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। इन विशाल ग्रहों के चंद्रमाओं के बारे में भी बहुत सी जानकारियां वॉयेजर मिशन के जरिए ही मिली हैं। वॉयेजर 2 सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने वाला शोध यान है, जिसने 4 ग्रह और कई चंद्रमाओं की अपनी शक्तिशाली कैमरों और उपकरणों के साथ यात्रा की है। जबकि इस यान पर खर्च हुआ पैसा अन्य शोध यानों जैसे गैलीलियो या कासिनी की तुलना में काफी कम है। वॉयेजर जब लॉन्च किया गया था उस समय जमाना ग्रामोफोन और उसके LP रिकॉर्ड्स का था। वॉयेजर को बृहस्पति और शनि की दुनिया में झांकते हुए और भी आगे का सफर तय करना था। ऐसे में स्पेस मिशंस के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने और वॉयेजर मिशन को मानवता का मार्गदर्शन बना देने के लिए महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर कार्ल सगान ने दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स में सोने से बना एक खास LP रिकॉर्ड रखवाया। इस रिकॉर्ड का मकसद था कि अगर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट कभी किसी अनजान सभ्यता या भविष्य के मानवों के संपर्क में आता है तो उन्हें पृथ्वी पर मौजूद जीवन के
हजारों स्वरूपों और सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में जानकारी मिल सके। दोनों वॉयेजर प्रोब्स के साथ भेजे जाने वाले इस सोने के रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें कलेक्ट की जाएं, इसका सिलेक्शन नासा की एक समिति ने किया जिसके अध्यक्ष खुद डॉक्टर कार्ल सगान थे। डॉक्टर सगान और उनकी टीम ने दुनिया की करीब हर सभ्यता का इंट्रोडक्शन देते हुए 116 पिक्चर्स जमा की जिनमें ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन दोनों तरह की तस्वीरें थीं। इनमें से कुछ पिक्चर्स में मैथ और फिजिक्स के फॉर्मूले, सौरमंडल, इंसान का डीएनए, माँ के पेट में पल रहे बच्चे यानी प्रेग्नेंट लेडी के फोटोग्राफ्स, बच्चे को दूध पिलाती एक माँ, खाते पीते हुए लोग और इतना ही नहीं कोलकाता में लगा एक ट्रैफिक जाम, ताजमहल और चीन की दीवार की पिक्चर्स भी इस रिकॉर्ड्स के लिए चुनी गईं। इसके साथ ही समुद्र की उफनती लहरों, बहती हुई हवा, कड़कती हुई बिजली, पक्षियों का चहचहाना, रेल का खास गीत, धड़धड़ाती गुजरती रेलगाड़ी जैसी कई आवाजें रिकॉर्ड की गईं। दुनिया भर की 55 भाषाओं में परग्रही सभ्यता के लोगों के नाम और शुभकामना संदेश यानी ग्रीटिंग्स भी रिकॉर्ड किए गए। इसमें हिंदी सहित गुजराती, राजस्थानी, उर्दू, तमिल और कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया के महानतम संगीतकारों और गायकों की संगीत रचनाएं भी शामिल की गईं, जिसमें भारतीय गायिका केसरबाई केरकर का शास्त्रीय गान भी शामिल किया गया। इसके साथ ही इस रिकॉर्ड में फॉर्मर अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर्ट वाल्डहीम का संदेश भी शामिल किया गया। ये ग्रामोफोन तांबे यानी कॉपर की डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष के विस्तार के आगे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का आकार काफी छोटा है, इसलिए इस बात की संभावना काफी कम है कि वॉयेजर की मुलाकात किसी एलियन सभ्यता से होगी, और खुदा ना खास्ता अगर ये मुलाकात हो गई तो उस अनजान सभ्यता के लोग इस गोल्डन रिकॉर्ड को प्ले करके धरती के जीवन और कल्चरल डाइवर्सिटी की झलक पा सकेंगे। डॉक्टर कार्ल सगान ने इसके बारे में लिखा है कि किसी अनजान सभ्यता से वॉयेजर की मुलाकात हो और वो लोग हमारे गोल्डन रिकॉर्ड को प्ले करके सुने। ऐसा तभी मुमकिन है जब इस ब्रह्मांड में घूमने वाली या रहने वाली ऐसी इंटेलिजेंट सभ्यताओं का अस्तित्व हो। वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड में भेजा गया मानवता का संदेश भी है। अगर इस दौरान वॉयेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग जाता है जो कहीं ब्रह्मांड में बसती है तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का और उसकी प्रगति का संदेश मिलेगा। वॉयेजर मिशन की प्लानिंग कैसे हुई ये जानना भी बहुत जरूरी है। 70 के दशक के अंत में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटी। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ऐसी विशेष स्थिति में आ रहे थे कि किसी एक स्पेसक्राफ्ट की मदद से एक के बाद एक इन चारों ग्रहों के करीब से होकर गुजरा जा सकता था। इस तरह किसी ग्रह के करीब से गुजर जाने को साइंस की लैंग्वेज में फ्लाई बाई कहते हैं। सौरमंडल के ग्रहों की ये स्थिति हर 177 साल बाद बनती है। नासा की जेट प्रोपल्शन लैब के एरोस्पेस इंजीनियर गैरी फ्लैंड्रो ने ग्रहों की बन रही इस खास स्थिति पर स्टडी कर एक अनोखी बात खोज निकाली। गैरी ने गणित की मदद से समझाया कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट एक खास एंगल से बृहस्पति के करीब से गुजरता है तो इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उसे एक ऐसी जबरदस्त अतिरिक्त उछाल दे देगा जिससे वो स्पेसक्राफ्ट बिना ईंधन खर्च किए सीधे शनि तक जा पहुंचेगा। बृहस्पति की तरह शनि के गुरुत्वाकर्षण से मिली अतिरिक्त उछाल से उसे आगे के ग्रह यूरेनस और नेपच्यून और उससे भी आगे जाना मुमकिन है। ये बिल्कुल न्यू आइडिया था। बेहद कम ईंधन खर्च करके केवल गुरुत्वाकर्षण की उछाल का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में दूर दराज का सफर मुमकिन था। नासा ने फौरन एक ग्रैंड टूर की योजना बनाई जिसके तहत बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और प्लूटो तक अलग अलग जुड़वा स्पेसक्राफ्ट भेजे जाने थे, लेकिन इस ग्रैंड टूर योजना का एक बड़ा हिस्सा रद्द हो गया। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस ने इतना फंड देने से इनकार कर दिया, केवल इतनी मंजूरी मिल पाई कि बस 2 स्पेस प्रोब भेजे जाएं। इस तरह नासा ने वॉयेजर मिशन पर काम शुरू किया जिसके तहत 2 प्रोब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 बृहस्पति और शनि पर भेजे जाने थे। 1977 में इन जुड़वा स्पेस प्रोब्स में वॉयेजर 2 को पहले लॉन्च किया गया। ग्रहों की अनोखी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वॉयेजर 2 को प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन ऐसे खास एंगल पर किया गया ताकि ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंच सके। वॉयेजर 1 की लॉन्चिंग इसके जुड़वा प्रोब के कुछ दिन बाद हुई, लेकिन इसका प्रक्षेपण पथ छोटा और तेज रखा गया ताकि ये बृहस्पति और शनि पर वॉयेजर 2 से पहले पहुंच सके।
वॉयजर 1 को हाई प्रायोरिटी दी गई क्योंकि इसे शनि के एक खास चंद्रमा टाइटन के भी बेहद करीब से गुजरकर उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करना था। 19 दिसंबर 1977 को वॉयजर 2 को पीछे छोड़ते हुए वॉयजर 1 उससे आगे निकल गया। 14 जून 2012 को नासा ने बताया कि वॉयजर 1 अब सौरमंडल के अंतिम छोर से भी आगे निकलकर गहन अंतरिक्ष यानी डीप स्पेस में लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। वॉयजर 1 और उसका जुड़वा स्पेसक्राफ्ट वॉयजर 2 दोनों दो अलग अलग दिशाओं में एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं और वॉयजर 1 की रफ्तार वॉयजर 2 की तुलना में 10% ज्यादा है। दोनों के बीच की दूरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पृथ्वी पर डीप स्पेस नेटवर्क को वॉयजर 1 से डेटा लेने के बाद वॉयजर 2 को सुनने में 16.5 घंटे का समय लग जाता है। 722 किलो वजनी स्पेसक्राफ्ट वॉयजर 1 हेलियोस्फीयर यानी सूर्य किरणों की पहुंच की सीमा वाले अंतरिक्ष के इलाके को पीछे छोड़कर हेलियोशीत यानी गहन ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुका है। वॉयजर 1 जल्दी ही इंटरस्टेलर स्पेस यानी अंतरिक्ष में दो सितारों के बीच के इलाके में प्रवेश करने वाला है और इसी के साथ वॉयजर 1 हमारे सौरमंडल से आगे निकल जाने वाला पहला मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। दोस्तों, वॉयजर 1 और 2 का सफर अभी यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले पार्ट में हम फिर से इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जो इन दोनों यानों ने अब तक पृथ्वी पर भेजी है, साथ ही इसकी स्पीड और ये कब तक काम करते रहेंगे इस पर भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।